अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि ओग्रा की समरी पेश की जाती है महीने में दो दफा वजीर आजम को फॉर द कंफर्मेशन इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द पेट्रोल प्राइसेस और अदर और द डीजल प्राइसेस और गैस प्राइसेस, तो एक ट्रेंड चल जाता है मुल्क में कि पेट्रोल प्राइसेस दोबारा इंक्रीज हो रही हैं, ये वजीर आजम सही नहीं है। कोई भी मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक पर्सन, बट हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म करना चाहिए एंड वहां पे करना चाहिए जहाँ पे दे आर एक्चुअली डिजर्विंग, बिकॉज वी आर एजुकेटेड पीपल एंड अगर हम पढ़े लिखे लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तो फायदा क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से पेट्रोल प्राइसेस और देख सकते हो कि जो आपका क्रिटिज्म है वो वैलिड है कि नहीं है, हाउ मच गवर्नमेंट आर चार्जिंग यू एक्स्ट्रा इन देयर टैक्सेस, और अगर आप फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना पड़ता भी है कि नहीं। एंड इन दिस वीडियो वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस कि इमरान खान ने जो अभी रिसेंटली 10 रुपए की पर लीटर की सब्सिडी दी है ऑन पेट्रोल प्राइसेस, वो कितनी गलत है टेक्निकली, क्योंकि आई बिलीव इन डेटा एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं गूगल पे, ठीक है, और हम पर बैरल फी देखते हैं, कोर्स देखते हैं पर गल्फ, हम क्योंकि अरब गल्फ गैसोलीन यूज करते हैं मोस्टली, तो हम देखते हैं कि उनकी आज प्राइसेस क्या है, ठीक है, और उसकी बेसिस भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सऊदी अरेबिया यूजुअली, एंड दिस ऑल कैलकुलेशन विल बी एक्स ऑन लाइक यू नो अभी प्रेजेंट नंबर्स पे, सो सऊदी अरेबिया सो इट्स अराउंड 110 ऑन एवरेज, ओके सही है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि किस तरह कैलकुलेट हो। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, पहले आपको ये समझना है कि कितने टैक्सेस हैं और क्या क्या चीजें वो डिपेंड करती हैं उस पे, लाइक ऐड होती हैं फाइनल प्राइस में पेट्रोल, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है 3.6% एक होती है ये इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन। तो आपने कभी देखा होगा कि कराची में लेट से प्राइस सेम है पेट्रोल की एंड इस्लामाबाद में प्राइस सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक यू नो एक कराची जो है पोर्ट के करीब है एंड इस्लामाबाद दूर है, तो जो फ्रेट इंक्लूड हुआ होता है, तो हैव यू एवर वंडर कि वो इतना चेंज क्यों नहीं होता, वहाँ पे प्राइस सेम होती है यहाँ पे प्राइस सेम भी होती है। तो उसमें ये होता है कि ओग्रा ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कैलकुलेट करके उसने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया होता है और ये सारी चीज़ें उसने ऑलरेडी प्राइस में डाली होती है ताकि वो पूरे मुल्क में जो प्राइस है पेट्रोल की वो सेम रहे, वरना ये होता है कि फिर लोग एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप भाग रहे होते ताकि उनको 1 रुपया शायद में भी सस्ता पेट्रोल मिल रहा होता। तो ये 3.60% है। द अदर इज डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो 2.60 चार्ज करते हैं। एक होता है हमारे पास डीलर कमीशन, ये जो कंपनीज होती हैं वो जितना चार्ज करती हैं 3.70, और रिसेंटली आपने देखा होगा याद होगा कि नवंबर में इन्होंने एक वो हुआ था कंट्री वाइड एक प्रोटेस्ट हुआ था एंड पेट्रोल मिलना बंद हो गया था बिकॉज दे वांटेड टू इंक्रीज दिस एंड ये इंक्रीज भी हुआ है, तो एज कम्पेयर टू नवंबर। तो एक चीज मैं बता दूं कि ये प्रेजेंट वैल्यूज हैं, मे बी थोड़ा बहुत आगे पीछे ये परसेंटेज में फर्क आता रहे क्योंकि गवर्नमेंट या फिर प्रोटेस्ट की वजह से ये चीजें वेरी होती रहती हैं, तो बट द एक्सपेक्टेड जो नंबर होगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वो तकरीबन सेम होगा, ठीक है। तो एक पेट्रोल लेवी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो पेट्रोल लेवी को हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि पेट्रोल लेवी एक ये पी के आर वैल्यू होती है 0 से 30 के बीच, ठीक है, मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 30 होता है। तो जब गवर्नमेंट पेट्रोल प्राइसेस लो होती है यू नो कि लेट्स से अगर 100 पे चली जाए क्योंकि तो वो क्या करती है कि ये लेवी बढ़ा देती है तो आपको वो 130 के अराउंड ही दे रही होती है या फिर 120 के अराउंड दे रही होती है, तो इतना फर्क नहीं आता। मार्केट प्राइस अगर लो जाती है तो इनका ये लेवी बढ़ जाता है, ये एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करने का तरीका होता है। अदरवाइज अगर मार्केट प्राइस हाई चली जाती है तो ये 0 पे ले आते हैं ताकि थोड़ा सा रिलीफ दे सके। और ये एक हमारे पास सेल टैक्स होता है जो फिक्स होता है जैसे जीएसटी हमारे पास होता है, तो ये 13.3% है। तो हमने देखा कि अराउंड पर लीटर बैरल जो था 110 था, ठीक है, और 1 लीटर में जो 1 बैरल में जो लीटर होते हैं वो 150 हो तो 58 होते हैं, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 0.70 आएगा। और आज आप देख लें तो 180.50 एक्सचेंज रेट चल रहा है, और ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो हमारे पास जो पेट्रोल की प्राइस आती है वो एक्चुअली 154.81 आती है, लेकिन हमें आज मिल रहा है 150 पे।
इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अभी अपनी जेब से पैसे दे रही है। जब प्रीवियसली ये जब इमरान खान ने 10 रुपए की सब्सिडी दी थी, उस वक्त ये प्राइस इस ज्यादा थी, उस वक्त प्राइसेस कम नहीं थी, उस वक्त प्राइसेस अराउंड 116 चल रही थी डॉलर, और जब आप देखेंगे तो वो अराउंड 163 कोस पर रही थी, और दैट्स व्हाई ओगरा रिकमेंडेड देम कि वो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज करें अराउंड 10 रुपीज से। लेकिन इमरान खान ने क्या किया था कि वो लेवी दे दी, जो वो था सब्सिडी दे दी थी अराउंड 10 रुपीज की, और यहाँ पे मैं आपको डॉन का आर्टिकल निकाल के दे रहा हूँ ताकि आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। और वो ये है कि जब 10 रुपीज की सब्सिडी दी थी, सब्सिडी तो उसने एनर्जी पे भी दी थी जो कि बनती नहीं है, बिकॉज फ्यूल एक्ट एक कंट्रीब्यूटर है एनर्जी में भी, तो रुपीज जब 10 की दी थी तो 250 रुपीज बिलियन जो है ये गवर्नमेंट को कॉस्ट करेगा, एंड आई डोंट नो कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई IMF ने भी इस पे बड़ी तशवीश का इजहार किया था, एंड गवर्नमेंट बट इमरान खान वांटेड टू रिलीव ही वाज रिलीव टू सम पीपल बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस, सो दैट्स व्हाई ही यूज दिस वे। एंड उसके अलावा ये है कि जो प्रोटेस्ट वाला था वो भी आप जाके न्यूज में देख सकते हो जो कि अवेलेबल है, एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट द प्राइसेस। सो आई वुड सजेस्ट बिफोर यू नो क्रिटिसाइजिंग और अप्रिशिएटिंग समवन एल्स, समबडी जो भी है की रोल मेंबर्स हैं इस प्राइसेस में रोल प्ले करने के लिए, डू योर रिसर्च एंड अप्रिशिएट वेयर इट इज पॉसिबल, एंड एक्चुअली कंडेम जहाँ पे पॉसिबल ना हो, क्योंकि वी आर एजुकेटेड क्लास, सो वी नीड टू नो हाउ एक्चुअली इट वर्क्स आउट, एंड कोई हमारे साथ खेल रहा है या फिर इट्स एक्चुअली आ रिलीफ। तो ये सीन है, आई होप दिस वीडियो वुड हैव हेल्प यू, एंड सी यू सून, बाय।